सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हमें एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो क्या हमारी मौत हो जाएगी। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे, तो शुरू करते हैं। तो जब कभी भी हम किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदते हैं तो उस पर लिखा एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने ये बोला होता है कि जब दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तो वो जहरीली हो जाती हैं और उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। तो आगे हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दवा की एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि दवाइयाँ बहुत सारे केमिकल मोलिकल्स से मिलकर बनती है, और इन केमिकल मोलिकल्स का अलग अलग लाइफ और पावर्स होती हैं। तो जब कभी भी कोई कंपनी दवाई मैन्युफैक्चर करती है तो उनकी पावर्स चेक की जाती है, वह कितने समय तक असरदार रहेगी। पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, मतलब कि जिस दिन वह दवा बनी थी, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, जिस दिन के बाद उस दवा की प्रभाव की गारंटी उसे बनाने वाली कंपनी नहीं लेगी। यही होता है एक्सपायरी डेट का मतलब। तो अब बात करते हैं कि आखिर हमें एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का यूज़ करने से क्यों मना किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद भी काम करती है, लेकिन उनकी इफ़ेक्टिवनेस लगभग 25% कम हो जाती है, और इसके साथ ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई दवा है जिसका एक्सपायरी डेट है 15 मार्च, लेकिन आप उसे यूज़ करते हो 16 मार्च को, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस पावर कम होने की वजह से हो सकता है आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीली हो जाती हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि उन दवाइयों में जो मोलिकल्स होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, बल्कि उन मोलिकल्स को बांधे रखने के लिए मिलाए जाने वाले जो संरक्षक पदार्थ होते हैं ना, वो जहरीले होते हैं। वो जो संरक्षक होता है ना, वो मोलिकल्स को दवाओं में एक्सपायरी डेट तक बांध कर रखता है, और एक्सपायर होने के बाद मोलिकल्स लूज हो जाते हैं और उस तरह काम नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। मान लीजिए हमारे शरीर में मोलिकल्स को एक्स वाई जेड की तरह काम करना है, तो वो वाई जेड एक्स की तरह काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जहरीलापन का असर होता है और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। और एक बात मैं आप सभी को पहले बता दूं कि कुछ दवाइयाँ जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, उन पर दवा कंपनी वाले एक्चुअल ख़राब होने की डेट से पहले की एक्सपायरी डेट प्रिंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन गलती से यूज़ कर ले तो वह अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। और मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी एक्सपायर हो चुकी दवाओं का यूज़ ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी को इससे भी अच्छे वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।